पाकिस्तान पेशावर के हाई कोर्ट ने आदेश दिया है टिकटॉक को बैन कर दो, मतलब टिकटॉक को ब्लॉक कर दो पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि ये इमोरल इनडिसेंट वल्गर सेक्सुअल कंटेंट को स्प्रेड कर रहा है करके इन्होंने इधर पे कहा था। तो मेरी मेरा ये कहना है फेयर होना मानता है, कोई भी डिसीजन है फेयर होना मानता है। अब टिकटॉक ये चीज करती है ये आपको भी पता है मेरे को भी पता है आई अग्री, पर इससे 10 गुना ज्यादा तो फेसबुक गूगल पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, टेलीग्राम पे होता है, इस सारी जगह पे इससे 10 गुना ज्यादा ऐसे कंटेंट्स को स्प्रेड किया जाता है और खुद ये खुद इसको प्रमोट भी करते हैं, पर इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता, बस एक पर्टिकुलर ऐप को लेके हर बार प्रेशर डालो। दोस्तों बाइटडांस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है, समझो अब जो प्रेशर है ये 10 गुना ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि पाकिस्तान ने भी इस पे ब्लॉक डाल दिया है। रही बात दूसरे कंट्री से इतना अच्छा रिश्ता है नहीं चाइना का, पर पाकिस्तान का और चाइना का रिश्ता इतना अच्छा है उसके बावजूद भी इन्होंने भी ऐसे किया, इनके साथ तो बुरा लगा, सोचा है सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं करके। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं इसके सारे डिटेल्स पे। हेलो फ्रेंड्स, इमोफैक्ट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की हमारी न्यूज रहेगी टिकटॉक बैन इन पाकिस्तान। पेशावर पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने पीटीए को ऑर्डर भेजा है कि टिकटॉक पे बैन लगा दो फिलहाल के लिए, सारे के सारे टिकटॉक के जो भी सर्वर है पाकिस्तान में इसको ब्लॉक कर दो, कोई इसको यूज ना कर पाए क्योंकि ये इमोरल इनडिसेंट वल्गर सेक्सुअल पॉलिटिकल कंटेंट ऐसी ढेर सारी चीज इधर पे बताई गई। दोस्तों ये सारी चीज को इधर पे स्प्रेड किया जा रहा है इस ऐप के जरिए से, जो कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है करके इधर कोर्ट का ये कहना है दोस्तों। तो हमारे फर्दर नोटिस तक इसको ब्लॉक कर दो करके इन्होंने ऑर्डर भेजा है पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटीज को करके इधर पे न्यूज मिली है दोस्तों, सोचा ये आपको बता देता हूं करके। अब रही बात दोस्तों ये पहली बार पाकिस्तान में बैन नहीं हुआ है, आज से 5 महीने पहले अक्टूबर में भी बैन हुआ था, बस 10 दिन के लिए बैन रुका था सेम रीजन को लेके, इमोरल इनडिसेंट ऐसे कंटेंट को लेके बैन किया था। 10 दिन के बाद टिकटॉक ने जो भी इनकी मांग थी, गवर्नमेंट की मांग पूरी की, जितने भी अकाउंट्स को डिलीट करना था किया, जो भी ऐसे कंटेंट से इसको रिमूव किया, फिर से रिक्वेस्ट भेजा, तो ये बैन को लिफ्ट कर दिया गया था उस पर्टिकुलर टाइम में। अब वही चीज को लेके फिर से बैन कर दिया गया। अब रही बात टिकटॉक का एल्गोरिदम क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है पता नहीं, पर हर बार बाइटडांस यही बताती है कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं, जो भी अब तक प्रॉब्लम हुआ है ऐसा फ्यूचर में ना हो, हम लोग इस पे बहुत ही तेजी से काम कर रहे हैं करके इन्होंने ऑलरेडी बताया दोस्तों। अब कैसा काम कर रहा है इसका एल्गोरिथम, क्या कर रहा है पता नहीं, पर पाकिस्तान का इतना अच्छा रिलेशन है चाइना से, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने ही बैन लगा दिया, तो अब दूसरी कंट्री कोई बड़ी बात ही नहीं है दोस्तों। पहली बात ये दिमाग में लेके चलो दोस्तों, ये बैन जो पाकिस्तान में लगा है बहुत ही आसानी से हट जाएगा क्योंकि ये इमोरल इनडिसेंट वल्गर कंटेंट को लेके ब्लॉक किया गया है, बस ब्लॉक बैन नहीं, जो इनके सर्वर से इनको ब्लॉक कर दिया गया है। अब ये भी कहा गया फर्दर मौका दिया जाएगा बाइटडांस को, जो भी ये प्रॉब्लम हुआ है इसको बैठ के बात करके आपस में सुलझाने का, जैसे ही आप सुलझा दोगे ये बैन भी हट जाएगा करके इस कोर्ट के ऑर्डर से पता चला है दोस्तों। तो ये बैन ज्यादा दिन रुकने वाला नहीं है, पर इंडिया में जो बैन है दोस्तों ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को लेके हुआ है, तो इधर पे ये जो बैन हटना है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान में बैन बहुत ही जल्द हट सकता है, पर इंडिया की रही बात दोस्तों जब तक इसको जो रोपोस है दोस्तों ये लेके लोकल ऐप नहीं बना लेती, फिलहाल इंडिया में इसकी वापसी होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ऐसा जो इमोरल इंडिसेंट का ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है दोस्तों ये इंडिया में भी हुआ था, मद्रास के हाईकोर्ट ने इसको किया था, पर ये भी बैन ज्यादा दिन रुका नहीं, बस 15 दिन के फासले में इस बैन को लिफ्ट कर दिया गया, पर उस समय इमोरल कंटेंट का प्रॉब्लम था, पर अब जो प्रॉब्लम है दोस्तों इंडिया में ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को लेके, तो इधर पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो अभी तक टिकटॉक वापस आ जाता दोस्तों, शायद आ जाता, पर अभी तक नहीं आया है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट को लेके इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इंडिया में। तो अब इधर पे ये कहा जा रहा है दोस्तों, पाकिस्तान के हाईकोर्ट ने ये कहा है जब तक ये प्रॉब्लम क्लियर नहीं कर देती टिकटॉक, उस समय तक इन पे ये ब्लॉकिंग ऑर्डर जो है ये कंटिन्यू रखो करके कहा गया दोस्तों। अब रही बात टिकटॉक के पर्टिकुलर स्पोक्स पर्सन ने ये कहा है हम लोग आपस में गवर्नमेंट से मिलकर बैठ के बात करेंगे, जो भी इनका प्रॉब्लम है जल्द से जल्द रेक्टिफाई करके क्लियर करेंगे करके, ये आज कई सारे न्यूज आर्टिकल्स में रिपोर्ट भी किया गया दोस्तों, सोचा है सारी चीज आपको बता देता हूं। अब ये रही बात दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए, पर इसकी नॉलेज इंपॉर्टेंट है तो आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपने भी रिक्वेस्ट किया था, ढेर सारे हमारे फैमिली मेंबर्स ने भी रिक्वेस्ट किया था भैया टिकटॉक की न्यूज बताओ टिकटॉक की न्यूज बताओ, कोई न्यूज अभी तक बाहर नहीं आई दोस्तों इंडिया रिलेटेड और टिकटॉक ग्लोबल रिलेटेड, बस ये जो न्यूज मिली है सोचा ये इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूं।
अभी इधर पे एक और चीज ये कही जा रही है दोस्तों, 20 मिलियन एक्टिव यूजर्स है टिकटॉक के पाकिस्तान में, तो सारे के सारे जो भी आईडीज है दोस्तों, सारे के सारे आईडीज को चेक किया जाएगा, जिन्होंने भी ये इमोरल इनडिसेंट वल्गर सेक्सुअल कंटेंट सारे के सारे कंटेंट को स्प्रेड किया, इनके अकाउंट्स पे बैन भी लग सकता है और ये सारे जो भी कंटेंट है इसको हटा दिए जाएंगे करके टिकटॉक के स्पोक्स पर्सन ने आज लाइव मीडिया में कहा है दोस्तों। सोचा है सारी चीज आप लोगों तक पहुंचा देता हूं। अब जिन्होंने भी ये सारे कंटेंट डाले हैं उनके अकाउंट पक्का सेफ नहीं है, उनके अकाउंट पक्का बैन कर दिए जाएंगे क्योंकि टिकटॉक पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर चल रहा है। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी न्यूज। रही बात दोस्तों कोई इंडिया की न्यूज मिलेगी, मैं जैसे ही मेरे को मिलेगी मैं आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, बाय।